ठीक है, ये मोबाइल चालू है ना? कौन चालू है। सा मॉडल है? B310। B 310E है। फोन B310E है। प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ लॉक लगा हुआ इसमें। दिखाइए थोड़ा, फोन लॉक ऐसे करके दिखाइए, ऑन करके। ये लॉक लगा हुआ है, ठीक है, तो इसे हम लोग अनलॉक करेंगे, ठीक। और मैं ये वीडियो यूट्यूब पे भी डालूंगा, बस अनलॉकिंग का ही। तो चलिए अपनी करिए, जो है कंप्यूटर की स्क्रीन जो है शेयर करिए। तो अब जो है, अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, B310E के जो है आपको फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगा, उसको फ्लैश करेंगे। मैंने डाउनलोड कर रखा है इसे। जी B310E फ्लैश, ठीक है। हाँ, मैंने डाउनलोड फोल्डर, हाँ यहाँ फोल्डर, रखा है। फोल्डर ओपन करिए, देखते हैं। ये अपने MD5 जो है डाउनलोड करके रखिए। चलिए छोड़िए इसको, हम दूसरे तरीके से करते हैं। इसको आप कैंसिल करिए यहाँ से, ठीक। हम दूसरी फाइल जो है डाउनलोड करेंगे। ओपन करिए गूगल क्रोम, और इसके बाद यहाँ पे लिखिए B310E स्टॉक रोम। STOCK स्टॉक रोम, स्क्रॉल करके नीचे आइए। तीसरे नंबर पे, एक सेकंड, यहाँ पे लिखिए, तीसरे नंबर पे जो फाइल आ रही है। ये वाला, नहीं, और नीचे आइए। हाँ ये ये वाला। B310E, और यहाँ पे लिखा है विदाउट बॉक्स, इस पे आप क्लिक करिए। ठीक है, क्लिक करिए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, और नीचे आइए। एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। तो यहाँ पे दिया गया है B310E फ्लैश फाइल डाउनलोड पे क्लिक करिए। फर्स्ट वाला पे हाँ फर्स्ट वाला डाउनलोड। MB के समथिंग हुई है, 5.39 कंप्लीट हो गई। जी। सो ऑन फोल्डर कॉपी करके आप उसको डेस्कटॉप पे ले आइए। करिए इसको एक्सट्रैक्ट। खोलिए फोल्डर को, ओपन। इसी के अंदर जो टूल है इसको ओपन करिए, रिसर्च डाउनलोड। पहले ऊपर वाला अंदर से जाइए, और जाइए बेम, नीचे आइए, रिसर्च डाउनलोड टूल है। हाँ इसी को क्लिक करिए, ओपन हो गया। अब क्या करना, फाइल को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे पोर्ट लिखा है, उसके ऊपर जो सेटिंग का सिंबल दिया है, यहाँ से फाइल सिलेक्ट करिए। ठीक है, ये वाला एक पैक सेकेंड, फाइल करना है ना। डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप जहाँ पे आपका फोल्डर पड़ा है। क्लिक करिए, अब आइए नीचे, फाइल देख, फोल्डर देखिएगा, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था उसके अंदर वन लिखा हुआ है, ये वन। हाँ आगे सबसे B310E प्लस टू वन, नीचे वाला।
ओपन करिए। ये पैक जो फॉर्मेट की जो फाइल है सिलेक्ट कर लो, उसको फाइल होगी सिलेक्ट, पीछे का बैकग्राउंड का जो पैनल है काट दो, पीछे का मिनिमाइज कर दो कोई, ठीक है ये आ गया, ठीक एक साइड करो। अब जो है आप अपना डिवाइस मैनेजर ओपन करो और जो सैमसंग B310E की जो बूट की होती है वो बीच वाली बटन होती है। हाँ मुझे पता है, ठीक है माइनस करिए, माइनस करिए, डिवाइस मैनेजर आप कनेक्ट करिएगा मोबाइल को, मोबाइल को ऑफ करके बीच वाली बटन दबा के डाटा केबल इंसर्ट करिए। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अननोन डिवाइस। आपने भी किया होगा तो इसमें प्रॉब्लम आई होगी ना? नहीं अभी हम किया ही नहीं अभी तक। अननोन डिवाइस की प्रॉब्लम आई थी, ये कॉम पोर्ट पे क्लिक करिए एक बार। हाँ ये आ गया, अब यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करिए, इधर इस साइड एसपीआरटी है, स्टार्ट पे, स्टार्ट स्टार्ट पे इस वाले। डिस्कनेक्ट हो गया, मोबाइल को दोबारा से कनेक्ट करिए निकाल के। पीसी का ढक्कन मत लगाइएगा, बैटरी एकदम डाटा केबल और बैटरी दोनों एक साथ लगाइएगा। प्रोसेसिंग चालू हो गई, पकड़ रही है उसको, हिलाइएगा मत फोन को, पकड़। हेलो सर जी। हाँ हेलो। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ गया है तो मोबाइल से आवाज। अच्छा चलिए, तो ये पास हो गया, यहाँ पे फिनिश लिख के आ गया, ठीक है, और ये पास हो गया है। तो अब जो है आप मोबाइल को निकाल के और ऑन करके सबको दिखाइए। पहले जो ये है इसको कैंसिल करिए, एंड स्क्रीन को, स्क्रीन शेयर जो है आप उसको बंद करिए, स्टॉप करिए। हाँ अब दिखाइएगा आपका, चेक करके कि हुआ कि नहीं हुआ। पहले आप चेक करिए हुआ। जी सर हो गया, कंप्लीटली हो गया सक्सेसफुली, ठीक सिंपल। yes, इसी तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया था, अगर आपको ध्यान हो उस टाइम पे आपके पास मोबाइल नहीं था, जब करके देखा तो सेम प्रोसेस था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी एक मिस्टेक क्या हो रही थी कि हमने
फोन को लगाया, स्टार्ट किया तो फोन रुक गया, फिर हमें क्या करना, दोबारा से फोन को निकाल कनेक्ट करना पड़ता, ठीक है। यही छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, स्टार्टिंग में हम लोग जब नए नए सीखते तो फंस जाते हैं कि ये हो नहीं रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, यही होता है।